सो हेलो एवरीवन अभी हम लोग देखेंगे बिहार के बारे में सो जैसा कि स्लाइड में देख सकते हैं हम लोग ये है हमारा बोध के का एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस टू तो विजिट uh, ये है महाबोधि टेंपल एंड देन ये शांति स्तूप पटना uh, है और ये गुलघर और ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज जो कि एज एन आल्टरनेटिव टू महात्मा गांधी से तो सर्व कर रहा है सो so, बिहार का लोकेशन हम लोग देखेंगे ये इंडिया के मैप में इस पोजीशन पे सिचुएटेड है लाइक like यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड में नेपाल देन यहाँ उत्तर प्रदेश यहाँ पे झारखंड है जो कि बिहार से ही एक पार्टीशन के बाद सेपरेट हुआ और यहाँ पे है वेस्ट बंगाल हमारा जो बिहार का सबसे नॉर्थन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है वेस्ट चंपारण ईस्ट में सबसे ईस्ट में पड़ गया किशनगंज देन हमारा जो सबसे साउथ में डिस्ट्रिक्ट है वो हो गया गया। और वेस्ट वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया कैमूर डिस्ट्रिक्टेडक्वार्ट का सो so, बिहार का पोजिशन जैसा कि मैप में हम लोग देख चुके हैं ये आ, वेस्ट बंगाल और यूपी के बीच में पड़ता है तो जैसा कि वेस्ट बंगाल सी के करीब में है तो ह्यूमिडिटी होती है बहुत ज़्यादा और यूपी सब ह्यूमिड टाइप का रीजन है तो इस वजह से बिहार को एक ट्रांजिशनल पोजिशन मिलता है इन टर्म्स ऑफ कल्चर इकोनॉमी एंड क्लाइमेट और ऊपर की तरफ देख लें हम लोग जैसा कि यहाँ पे तो वो पड़ जाता है नेपाल और उसके बाद फिर झारखंड पड़ जाता है साउथ में तो ये नेपाल और झारखंड ऊपर और नीचे हैं बिहार के और जैसा कि आप सब जानते हैं बिहार में यहाँ मिडिल से गंगा नदी बहती है सो so, गंगा नदी जो है वो एक्सैक्ट हाफ तो नहीं बट नॉर्थ एंड साउथ पार्ट में डिवाइड करती है बिहार को तो और बिहार का जो एवरेज एलिवेशन है वो सी लेवल से ऊपर है लाइक like 100 हंड्रेड सीटर्स सो बिहार का जो पूरा रीजन है वो मोस्टली फ्लैट है जो भी हम लोग देखेंगे कि बिहार में टोटली क्या है थर्टी एट हैं और वो जो थर्टी एट डिस्ट्रिक्ट वो नाइन डिविजन के हिसाब से बटे हुए हैं जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कलर मैप में सबसे पहला है आपका पटना तो पटना का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन है वो इतना एरिया कवर करता है तो इसमें पटना में जो है हमारे पास ये सारे डिस्ट्रिक्ट जैसा कि इधर से देख सकते हैं कैमूर हो गया रोहतास बक्सर भोजपुर पटना एंड नालंदा इसके बाद में आता है सारण तो सारण में क्या हो जाता है सारण में हमारे पास पड़ते हैं तीन डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज सिवान और सारण उसके बाद फिर तिरहुत तिरहुत नाम से एक डिविजन है जिसमें मेनली वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर और वैशाली आता है उसके बाद फिर हो गया हमारा पूर्णिया तो पूर्णिया में हम लोग देखेंगे कि पूर्णिया में हमारा पड़ता है अररिया कटिहार किशनगंज और पूर्णिया ये हो गया हमारा पूर्णिया का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन उसके बाद फिर है भागलपुर तो भागलपुर में हमारा दो डिस्ट्रिक्ट आता है पहला हो गया खुद भागलपुर और फिर एक बाका फिर हो गया दरभंगा तो दरभंगा में हमारा हमारे पास ये तीन आते हैं एक लाइन में जो है डिस्ट्रिक्ट मधुबनी दरभंगा और समस्तीपुर और उसके बाद फिर हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन कोसी तो कोसी में क्या है कि कोसी का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो है सहरसा कोसी में पड़ता है हमारे पास आ, कोसी कोसी का ये हो गया कोसी तो कोसी में पड़ता है सुपौल सहरसा और मधेपुरा उसके बाद फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हो गया हमारा मगध तो मगध यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पूरे रीजन को हम लोग बोलते हैं मगध तो इसमें पड़ गया औरंगाबाद गया नवादा अरवल जो कि अभी रिसेंटली सेपरेट हुआ है और जहानाबाद पहले अरवल और जहानाबाद एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे तो अभी ये जो लेटेस्ट मैप है उस हिसाब से अरवल और जहानाबाद सेपरेट है तो ये पड़ गया मगध में और उसके बाद फिर फाइनली जो सबसे लास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन है वो हो गया मुंगेर ये पूरा का पूरा एरिया तो मुंगेर में आपका मुंगेर में हो जाएगा जमुई मुंगेर लखीसराय बेगूसराय और खगड़िया okay. उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग जोलॉजी ऑफ बिहार तो जोलॉजी में बिहार में क्या है मेनली बिहार जो फ्लड्स का रीजन है तो इसमें गंगेटिक एलुवियल एलुवियम प्लेन्स है मतलब जो सॉइल्स है वो एलुवियल सॉइल्स है मोस्टली क्योंकि हर साल ऑलमोस्ट हर साल फ्लड्स आते हैं कोसी नदी वाटर लेवल ऊपर हो जाने की वजह से और वो जो लेयर बाय लेयर बार बार रिन्यू होता रहता है उसके बाद फिर पीडेमोन्ट स्वैम्प सॉइल ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट है ये वेस्ट चंपारण में पड़ता है यहाँ पे पीडेमोट स्वैम्प सोयल उसके बाद फिर है तेराई सॉइल जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में मिलता है नेपाल के बॉर्डर से लगा हुआ मतलब कि ये हो गया ईस्टर्न पार्ट ये किशनगंज अरिया सुपौल और इस एरिया में ये जो है यहाँ पे पड़ता है तेराई सॉयल उसके बाद फिर इसके अलावा फिर कॉमनली लोमी सॉयल्स सैंडी सॉइल्स और क्ले सॉयल्स भी होते हैं बिहार में और ये जो मॉइस्चर है मैप वो बिहार का तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मोस्टली जो एरिया है वो ये ब्राउनिश टाइप का तो वो हो गया ड्राई और उसके बाद फिर ये जो ब्लू है वो वेरी वेट एरिया है जो कि कंस्टिट्यूट करता है ये रीजन दरभंगा वाला रीजन और उसके बाद फिर जो ग्रीन पैचेस हैं हैं वो वेट लाइक मधुबनी और थोड़ा खगड़िया बेगूसराय समस्तीपुर ये सब होगा और उसके बाद गोपालगंज का उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे माउंटेन्स इन बिहार तो माउंटेन्स इन बिहार में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैमूर हिल्स है राजगीर हिल्स है और उसके बाद फिर जमुई बेसिन है उसके बाद फिर बाकी जो मोस्टली पार्ट्स जो ऊपर है वो फ्लैट है और जो हिल्स का कंसेंट्रेशन है वो इस एरिया में ज्यादातर है मतलब पार्ट ऑफ बिहार में तो यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सोमेश्वर फोर्ट वो बिहार का सबसे हाईएस्ट पीक है सोमेश्वर पड़ता है यहाँ पे वेस्ट चंपारण में तो उसका जो एलिवेशन है एज पर दर द मेजरमेंट वो है एट हंड्रेड एंड एटी मीटर्स का so in terms of feet, feet. that's equivalent to 2890 उसके बाद फिर अभी हम लोग देखेंगे मिनरल्स इन बिहार तो बिहार का ये मिनरल मैप है जहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट हैं, मेनली मिनरल्स का कंसेंट्रेशन यहाँ पे है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट नोट करने वाले पॉइंट्स हैं कि बिहार में जो मिनरल का उसमें कोल है राजमहल कोल फील्ड में और फिर लाइम जो होता है वो कैमूर में मिलता है मुंगेर में मिलता है और रोहतास में मिलता है तो ये हो गया कैमूर यहाँ पे हो गया मुंगेर और उसके बाद फिर ये हो गया रोहतास माइका मिलता है नवादा डिस्ट्रिक्ट में देन सिलिका सैंड भागलपुर जमुई मुंगेर और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में क्वार्टेजाइट लखीसराय मुंगेर एंड नालंदा डिस्ट्रिक्ट और ये जो टैल या सोप जो होता है वो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है और ये सब हो गए मेनली मिनरल्स कहाँ कहाँ पे फाउंड होते हैं इनके अलावा एलुमिनियम का जो ओर होता है बॉक्साइड वो मिलता है मुंगेर रोहतास डिस्ट्रिक्ट में चाइना क्ले मिल गया भागलपुर में और मुंगेर में फेल्स मिलता है गया जमुई और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में फायर क्ले भागलपुर एंड पुर्णिया डिस्ट्रिक्ट में और गोल्ड गोल्ड माइंस है मतलब गोल्ड का भी हो रहा है माइनिंग वो जमुई डिस्ट्रिक्ट में ग्रेनाइट भागलपुर गया जहानाबाद जमुई में आयरन और मिलता है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में और गया डिस्ट्रिक्ट में जमुई डिस्ट्रिक्ट में भी आयरन में क्या होता है आयरन और टू टाइप के होते हैं रोहतास में एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट में उसके बाद फिर अभी हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या क्या है बिहार में तो मोस्टली बिहार जो है इकोनॉमी वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है और ज्यादातर जो फोकस है वो सर्विस सेक्टर पे है लेकिन बिहार में कुछ कुछ प्राइम इंडस्ट्रीज भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट जो कि जानने में मेंशन करने में काम आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीमेंट सेक्टर सीमेंट सेक्टर से बिहार में प्राइमरीली तीन ऐसे इंडस्ट्रीज हैं। सबसे पहला रोहतास में है कल्याणपुर जिसकी एनुअल कैपेसिटी है टेन लाख ट उसके बाद फिर सेकंड हो गया बांगर सीमेंट्स श्री बांगर श्री सीमेंट्स जो कि है औरंगाबाद में सिचुएटेड और इसकी एनुअल कैपेसिटी है ट्वेंटी लाख टन उसके बाद फिर थर्ड सीमेंट सेक्टर में जो इंडस्ट्री है बिहार में वो है निर्माण सीमेंट लिमिटेड जो की पटना डिस्ट्रिक्ट के बिट्टा में फर्टिलाइजर सेक्टर में तो अंडर द नेम ऑफ हरा भरा फर्टिलाइजर्स ये कंपनी है रिया सुगर मिल्स जो कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है और उसके बाद फिर ये जो बिहार का सबसे प्राइम इंडस्ट्रियल सेगमेंटेशन में फोकस है वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओ का प्लांट है बरौनी में ऑयल रिफाइनरी तो जिसकी एनुअल कैपेसिटी है सिक्सटी तो ये था हमारा छोटा सा ओवरव्यू बिहार के ऊपर और बहुत जल्द एक और ऐसी ही नॉलेज वीडियो के साथ नेक्स्ट अपलोड होगा सुबह इस चैनल पे थैंक यू